विश्व स्वास्थ्य दिवस की हम सबको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयां। नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आपको कुछ चीजें टिप्स के तौर पर दूंगा। अगर हम इन चीजों को फॉलो करते हैं तो मैं मानता हूं कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपने देखा होगा कि जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वहां की जो दिनचर्या है, वहां जो खाने पीने का टाइमिंग है या जो चीज हम खाने में यूज करते हैं, अगर वो चीजें हम अगर डेली रूटीन में यूज करें तो हम कभी हॉस्पिटल ना जाएं। यानी कि वहां जो डिनर का टाइम है वो 7 से 8 बजे का होता है। अगर हम यही दिनचर्या, यानी कि रात को डिनर हम 7 से 8 बजे कर लें तो आपका डिनर सही टाइम पर हो जाएगा। वहां जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है वो सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का होता है, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको। अगर यही हम सुबह अपने घर पर भी 8 बजे से 8:30 बजे तक डिनर ब्रेकफास्ट कर लें तो आपका सही टाइम पर ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और जो लंच का टाइम है वो 1 से 1:30 बजे का है। ज्यादातर हॉस्पिटल्स इन टाइमिंग को फॉलो करते हैं क्योंकि ये जो टाइमिंग्स हैं, इस टाइमिंग के हिसाब से अगर हम पेशेंट को डाइट देते हैं तो प्रॉपर तरीके से हर डाइट को डाइजेस्ट होने का प्रॉपर समय मिल जाता है। और जो खाना हम वहां खाते हैं, दलिया है, खिचड़ी है, या हम हल्का खाना जो खाते हैं, अगर हम हफ्ते में 2 या 3 बार या 1 बार भी अगर इस तरीके से इसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत हद तक ठीक रह सकते हैं। दूसरा, रात में सोने का जो टाइमिंग है वो अगर आप ठीक करते हैं तो बहुत हद तक आप अपनी हार्मोनल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे आजकल महिलाओं में पीसीओडी की समस्या सबसे ज्यादा हो रही है, पीरियड्स का गड़बड़ हो जाना, सिस्ट हो जाना, या पीरियड्स कई महीनों तक गायब हो जाना, या फैट बढ़ जाना, मोटापा बढ़ जाना, बाल झड़ना, ऐसी कई समस्याएं हार्मोनल इंबैलेंस के तौर पर फीमेल्स के तौर पर देखी जाती हैं। और अगर मेल की बात करूं मैं तो ये मेल के अंदर भी बाल झड़ जाना सबसे बड़ी समस्या है, या सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इस चीज को दूर करने के लिए अगर हम रात को 11 बजे से लेकर 5 बजे की नींद अगर लें तो ये आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत मदद कर सकती है। क्योंकि हमारे जो हॉर्मोन्स हैं, जो प्रॉपर तरीके से सिक्रीशन होता है वो रात के समय होता है, जब हम 100% रिलैक्स की अवस्था में होते हैं। और हम 100% जो रिलैक्सेशन की अवस्था होती है वो नींद की अवस्था होती है। तो इसका मतलब कि हमें 11 बजे से लेकर 5 बजे की नींद कंपलसरी है। सुबह उठकर थोड़ा सा अपने ऊपर व्यायाम, कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, यानी कि कम से कम 20 मिनट हमें अपने ऊपर लगाने ही चाहिए। और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस समय पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस समय पर पूरे देश भर में कोरोना को लेकर एक भयंकर माहौल बना हुआ है, तो उस समय पर तो हमारी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमें अपनी इम्यूनिटी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है। हर व्यक्ति को करना है, चाहे उसकी एज 40-45 साल से कम हो या ज्यादा हो। गवर्नमेंट मानते हैं कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को कोरोना कम हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग लापरवाही बरत लें। इसका मतलब ये कि हमें अपने आप को और फिट रखने की जरूरत है कि हमें कोरोना के होने के सिम्टम्स ही ना हो या हमें वैक्सीन की कोई जरूरत ही ना हो। और मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है कि 80% इस जनता को, इस देश के लोगों को, इस संसार के लोगों को कोरोना होगा ही होगा। 80%, यानी कि 80% में मैं और आप भी हैं। तो इस 80% में अगर हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखेंगे तो हमारे को कोई ऐसे क्रिटिकल दिक्कत नहीं आएगी कि हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़े या हमारे को कुछ अलग तरीके की कुछ बीमारियां हों। आप सिंपल बीमार होंगे, जैसे जनरल फ्लू होता है, और उससे आप उभर जाएंगे। यानी कि अगर आपकी इम्यूनिटी पावर ठीक हुई तो आप इससे बच सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि उनको कोरोना होकर भी ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने दैनिक दिनचर्या में, डेली रूटीन में अपने ऊपर 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट जरूर लगाते हैं। तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अच्छी रखनी है ताकि आपका लंग्स स्ट्रांग हो सके। आपको नहाते समय कुछ इस तरीके से मसाज करनी है बॉडी के ऊपर, कुछ लिम्फ नेट्स को स्टिमुलेट करना है जिससे कि आपकी लिम्फेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो सके। और तीसरा, दिन भर में इस तरीके की जो गर्मी है दिल्ली में, लगभग 40 से 45 डिग्री की टेम्परेचर होने वाला है, तो ऐसे समय पर हमें 10 से 15 ग्लास पानी पूरे दिन में लेना ही चाहिए जिससे कि आपकी किडनियां ठीक रहे और डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर तरीके से कर सके। तो आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि ये तभी सार्थक होगा जब हम अपने ऊपर कुछ ना कुछ ध्यान दें। जरूरी नहीं है कि जो दिनचर्या हम हॉस्पिटल में जाकर अपनाते हैं, अगर हम
वहां ना अपना कर घर में अपना ले तो हमें वहां जाने की नौबत ही नहीं आएगी, हमें वहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अंत में एक चीज और कहूंगा, क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है, इस समय बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, तो हमें अल्कलाइन फ्रूट ज्यादा इंटेक करने चाहिए। जैसे आज के मौसम में तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, या फ्रूट एक लंबा फ्रूट जो आता था वो जो अगर आप लेते हैं, खीरा है, जिन फल और सब्जियों में पानी की मात्रा ज्यादा हो वो फल और सब्जियां हमें ज्यादा इंटेक करनी चाहिए। और अंत में हमें कोई भी बेमौसम की चीजें नहीं खानी चाहिए, यानी कि अब गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, गर्मियों का पूरा समय है, हमें कोई भी ऐसी फल और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना है जो इस मौसम में ना आए। अगर आप इतना सारा सब कुछ ध्यान करते हैं, अपने ऊपर कुछ एक्टिविटीज करते हैं, तो निश्चित तौर पर आज हम विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और इतनी स्ट्रांग जो आपको कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तो आइए हम सब मिलकर विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ये प्रण लें, ये निश्चय करें कि हम कम से कम अपने आप को तो फिट रख सके और कह सके कि कोरोना से हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।